नमस्कार दोस्तों, आपका वर्धमान जनरेटर के चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके पास डीजल जनरेटर की ट्रॉली। जी हाँ दोस्तों, डीजल जनरेटर की ट्रॉली जो कि जनरेटर को गाड़ी के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा खींच के कहीं के भी ले जाने के काम में आती है। ये ट्रॉली पूरी तरीके से हमारी फैक्ट्री में बनाई गई है और देख सकते हैं दोस्तों, बहुत हैवी ट्रॉली है जो कि हम लोगों ने अपने यहाँ बनाई है। 62.5 KV के जनरेटर की ट्रॉली है और 40 KV के जनरेटर में इस्तेमाल हो सकती है। ये देखिए बैटरी का स्टैंड है जो लड़का इसका बना रहा है और ये इसके साइड के चैनल बनाए जा रहे हैं जिससे कि ये ट्रॉली खड़ी होगी। ये इसमें टायर इस्तेमाल किया गया है हैवी वाला जो कि बड़ी गाड़ी का टायर है जीप का, और 6-3 के चैनल में पूरी ट्रॉली बनाई गई है। और ये देख सकते हैं आप, फिनिशिंग टॉप नॉच मिलेगी आपको, कहीं से कहीं तक भी आपको ये दिक्कत नज़र नहीं आएगी। प्रॉपर चैनल को काट के वेल्डिंग करके हम लोगों ने इसे बनाया है। इसके अंदर ये जो हिच यूज़ किया हुआ है ये भी काफ़ी हैवी हिच हमने लगाया है इसके अंदर। ये इसके आगे के पैनल हैं जो कि इसे रोकने के लिए लगाए जाते हैं। ये देखिए पीछे का अभी फिटमेंट चालू है, लड़का वेल्डिंग करके पीछे का जो इसकी रोक है उसको लगा रहा है और वेल्डिंग भी बिल्कुल प्रॉपर वेल्डिंग हम लोग करते हैं ताकि वाइब्रेशन या झटके से वेल्डिंग के अंदर क्रैक ना आ जाए। और ये देख सकते हैं आप, ट्रॉली जो बनाई गई है ये प्रॉपर मेजरमेंट से प्रॉपर बैलेंस के साथ में बनाई हुई है। इसको एक आदमी भी जनरेटर को ऊपर नीचे पूरा हिला सकता है, इस तरीके का हम लोगों ने इसमें बैलेंस बनाया है। और वेल्डिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी क्वालिटी, सफाई से काम किया हुआ है। ये इसका हिच है और हिच के अंदर भी हम लोग प्लेट लगाते हैं ताकि ये कभी भी दिक्कत ना करे। बहुत से लोग सरिया वेल्डिंग करके इसको लगा देते हैं जो कि झटका लगा के टूट जाता है। और ये इसके रोक है आगे की, ये देख सकते हैं प्रॉपर रोक बनाई है हमने, 2-4 को आपस में वेल्डिंग करके जोड़ के बनाया गया है। और फिनिशिंग आप देख सकते हो, और काफ़ी हैवी ट्रॉली हम लोगों ने बनाई है ये, तो किसी भी तरीके से पूरा प्रॉपर बोल्ट वगैरह लगा के हम लोगों ने इसकी कमानी को लगाया है ताकि कभी भी आप इसे खोल के रिपेयर वगैरह कराना चाहे आराम से करा सकते हैं। वेल्डिंग नहीं करिए क्योंकि बहुत से लोग इसमें वेल्डिंग कर देते हैं जो कि झटका खा के क्रैक हो जाती है और फिर वो दिक्कत करती है। इसके अंदर जो हमने लट्ठा भी यूज़ किया बीच का एक्सल, वो 55 mm का बहुत हैवी वाला एक्सल यूज़ करा हुआ है, देख सकते हो आप। प्रॉपर हिच लगे हुए हैं, प्रॉपर कमानी लगी हुई है, प्रॉपर क्लैंपिंग है, सब जगह नट बोल्ट यूज़ करें, कहीं भी जगह हमने वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं किया है ताकि दिक्कत ना आए, क्योंकि झटका खा के वेल्डिंग क्रैक हो जाती है जो कि बहुत दिक्कत करती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपकी किसी भी टाइप की ट्रॉली या जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो तो दिए गए नंबर पर फ़ोन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।